17 मार्च 2023 राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बड़ा दाव खेलते हुए एक फैसला लेते हैं, एक ऐसा फैसला जिससे पूरे राजस्थान के अंदर कहीं खुशी तो कहीं गम वाला माहौल हो जाता है। राजस्थान 33 की जगह 50 जिलों में बढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, 17 मार्च 2023 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बड़ा दाव खेलते हुए प्रदेश में कुल 19 नए जिलों की घोषणा कर देते हैं। दोस्तों अब आप बोलोगे कि मैं यह खबर क्यों बता रहा हूँ, यह तो आपको पहले से ही पता है। तो दोस्तों जो मैं आगे खबर बताने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड ही यह खबर है, क्योंकि इसी घोषणा के बाद राजस्थान का जो भौगोलिक स्थिति है, राजस्थान का जो भूगोल है, उसके साथ साथ राजस्थान के कई विधानसभा क्षेत्रों का जो चुनावी समीकरण है वह भी पूरी तरह से अलट पलट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस पूरे वीडियो में आपको भीनमाल की बात करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर भीनमाल में कौन अपना जो चुनावी रंग है वह दिखाएगा और किस पर चुनावी रंग चढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सुधार कागमाला द मरुभूमि पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे एक खास निवेदन है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के और वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों भीनमाल इतिहास में एक विशिष्ट पहचान रखता है। दोस्तों इतिहास की नज़र से अगर देखा जाए तो इतिहास में श्रीमाल नगर से जाने जाने वाला यह भीनमाल राजस्थान के जालौर जिले का एक प्राचीन शहर है। दोस्तों जालौर जिला मुख्यालय से लगभग 72 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह प्राचीन शहर इतिहास और अपनी विविधताओं से परिपूर्ण है। दोस्तों यह भीनमाल वही शहर है जो कभी गुर्जर देशा की राजधानी थी, जिसमें आज के यानी कि जो आधुनिक राजस्थान है उस राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा और गुजरात का उत्तरी हिस्सा भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, यह भीनमाल जो कि संस्कृत कवि माघ और प्राचीन गणितज्ञ व खगोल शास्त्रीय ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान है। दोस्तों अगर इस भीनमाल के इतिहास की अगर बात करने बैठूं, इस भीनमाल के इतिहास का अगर गुणगान करने बैठूं तो यह वीडियो कम पड़ जाएगी। दोस्तों बात करते हैं मुद्दे की, यानी कि भीनमाल विधानसभा क्षेत्र की। दोस्तों भीनमाल किसी समय में कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। 1990 तक कांग्रेस के गढ़ रहे इस भीनमाल में 1993 में भाजपा ने पूराराम चौधरी को टिकट देकर इस कांग्रेस के गढ़ को ढहाने की कोशिश की थी। उसके बाद लगातार बीजेपी पूराराम चौधरी पर अपना चुनावी दाव खेलती आ रही है। बीजेपी कई बार इस दाव में सफल भी रही, जिसमें पूराराम चौधरी ने जीत दर्ज की और भीनमाल से विधायक चुने गए। दोस्तों अब बात करते हैं आने वाले विधानसभा चुनावों की। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2023 की, तो अशोक गहलोत ने 19 जिलों की नई घोषणा के साथ ही राजस्थान की भूगोल और साथ ही राजस्थान के कई चुनावी समीकरणों को अलट पलट कर दिया है। उसी में एक विधानसभा क्षेत्र है भीनमाल विधानसभा क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, इसी घोषणा के साथ भीनमाल में भी जो चुनावी रणनीति है वह पूरी तरीके से बदल जाएगी। दोस्तों भीनमाल का अगला विधायक कौन होगा, जनता किसे सुनेगी भीनमाल का अगला एमएलए? दोस्तों हम एक सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कि कौन हो सकता है भीनमाल से अगला विधायक। दोस्तों आने वाले विधानसभा चुनावों में कौन अपने रंग दिखाएगा, कौन चुनाव जीतेगा, कौन चुनावी मैदान में उतरेगा वो बाद की बात है, लेकिन भीनमाल का अगला विधायक कौन हो सकता है इसमें कुछ महत्वपूर्ण शहरें हैं। सबसे पहली अगर बात की जाए तो दोस्तों बात आती है पूराराम चौधरी की। दोस्तों लगातार 3 बार से भीनमाल में विधायक हैं, हो सकता है 2023 के इन चुनावों में भी जनता एक बार फिर पूराराम चौधरी का साथ दे दे, लेकिन यह होता दिखाई नहीं दे रहा है। कारण है भीनमाल को जिला ना बनाया जाना। दोस्तों कई वर्षों से यह मांग उठती आ रही है कि भीनमाल को जिला बनाया जाए,
लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जिला सांचौर को बनाया गया है, तो भीनमाल की जनता में आक्रोश है। यह आक्रोश राजस्थान के सरकार के साथ साथ यहां के स्थानीय विधायक पुराराम चौधरी के खिलाफ भी आम तौर पर देखा गया है। दोस्तों पुराराम चौधरी का मजाकिया अंदाज तो आप सबको पता होगा, आप सब उससे वाकिफ होंगे। दोस्तों अगर बात की जाए इस मामले की, यानी कि जो जिला बनाने वाली खबर मैंने आपको बताई उस मामले की भी अगर बात की जाए, तो पुराराम चौधरी के कई रिकॉर्डिंग और जो वीडियो है वह वायरल हुए हैं, जिसमें उन्होंने सांचौर को राजधानी और भीनमाल को जिला बनाने की बात कही है। यानी कि कहीं ना कहीं एक मजाकिया अंदाज, उससे जनता काफ़ी उनसे रूठी हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर मैं बात करूं पुराराम चौधरी की, तो 2018 में, 2013 में, 2008 में और उससे पहले 1993 में जो है पुराराम चौधरी ने बीजेपी से अपनी जीत दर्ज की थी और भाजपा से विधायक चुने गए थे भीनमाल के। दोस्तों इसी कड़ी में दूसरा जो नाम आता है वह नाम आता है डॉक्टर समरजीत सिंह का। दोस्तों कांग्रेस के यह व्यक्ति माने जाते हैं, कांग्रेस के एक अच्छे कार्यकर्ता माने जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि 2003 और 1998 में यह जीत दर्ज की थी इन्होंने और कांग्रेस से टिकट लेकर यह भीनमाल से विधायक चुने गए थे। इसके साथ ही दोस्तों 2018 में भी डॉक्टर समरजीत सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन उनको जनता ने नहीं सुना, वहां पर पुराराम चौधरी को सुन लिया गया विधायक के तौर पर और डॉक्टर समरजीत सिंह वोट हार गए थे। दोस्तों अब जो फिलहाल बात की जा रही है वह कहीं मैंने पढ़ा भी था कि अगर भीनमाल की जनता एक पीएचडी डॉक्टर को सुनती 2018 में, तो शायद आज भीनमाल जिला बन सकता था। दोस्तों ये कई बातें हैं जो भीनमाल की जनता आपस में कर रही है। दोस्तों इसी कड़ी में जो तीसरा नाम आता है वह नाम आता है ओम सिंह चांदराई का। दोस्तों ओम सिंह चांदराई यह भी कांग्रेस के एक बड़े कार्यकर्ता माने जाते हैं। 2013 में कांग्रेस ने इन्हें टिकट दिया था, लेकिन इनकी हार हो चुकी थी। दोस्तों इसी कड़ी में अगर बात करें अगले चेहरे की, तो अगला जो चेहरा है वह बीजेपी से सामने आता है छावला राम देवासी। दोस्तों आपको बता दूं कि यह नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं भीनमाल से सावलाराम देवासी भी आपको टिकट की दौड़ में नजर आते दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों अगर इसी कड़ी में अगली बात करूं, तो एक ऐसा चेहरा जो युवाओं में काफी चर्चित हो रहा है, काफी पॉपुलर हो रहा है, दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सरवण सिंह राठौड़ की। वह सरवण सिंह राठौड़ जो कभी दैनिक भास्कर अखबार के दिल्ली ब्यूरो रह चुके हैं, दोस्तों पिछले 5-6 वर्षों से काफी एक्टिव और काफी जोश के साथ भीनमाल की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। दोस्तों अशोक गहलोत के काफी करीबी माने जाते हैं। आपको याद होगा अभी जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी राजस्थान से, उनमें भी सरवण सिंह राठौड़ को देखा गया था। दोस्तों कहीं ना कहीं जो राजनीति के जानकार है वह मानते हैं कि 2023 के इन चुनावों में कांग्रेस 99% सरवण सिंह राठौड़ को अपना टिकट जरूर देगी। खैर दोस्तों यह कुछ चेहरे हैं जो 2023 के चुनावों में अपना दाव खेलकर भीनमाल के अगले विधायक बन सकते हैं। जनता किस पर भरोसा करती है यह तो बाद की बात है, परंतु जो पार्टियों के लिए भरोसेमंद कौन है यह सबसे महत्वपूर्ण है। जनता वोट देगी, लेकिन उससे पहले पार्टी किस पर भरोसा जताती है यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों यह थी एक छोटी सी कोशिश जिसमें आप जान पाओ कि भीनमाल के लिए अगला विधायक की रेस में कौन आ सकता है। वोट देना आपका काम है, लेकिन उन वोटों की रेस में कौन आगे आ सकता है वह ये कुछ महत्वपूर्ण चेहरे थे। साथ ही राजनीति है, कोई भी बाहर से बुलाया जा सकता है, खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन जो अभी स्थानीय चेहरे जनता के सामने हैं वह ये 4-5 चेहरे हैं जिसे बीजेपी कांग्रेस कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार सुन करके जनता के सामने चुनावी मैदान में उतार सकती है। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप द मरुभूमि देखते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। और आपकी क्या राय है, भीनमाल से अगला विधायक कौन होगा, या फिर पार्टी किन्हें टिकट देगी, या फिर किन्हें टिकट देना चाहिए, आपकी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके जरूर बताएं।
दोस्तों जल्दी आपसे एक और ऐसे ही वीडियोस में मुलाकात होगी। तब तक अपना पूरा ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।